नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय के अंदर से, और देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त जो है वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि दो बहनें जिनका शव जो है नहर में मिलता है, और उसके बाद एक पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है कि आखिरकार दो बहनें इस तरह से किस तरह से उनकी जो डेड बॉडी है नहर में मिलती है, और उसके काफी दिन हो चुके हैं, अभी तक सुनवाई जो है नहीं हो पा रही। इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार की तरफ से, बिरादरी की तरफ से, और आज इस वक्त सभी लोग यहां पर बिरादरी की तरफ से जिला सचिवालय पहुंचे हैं एसपी से बातचीत करने। तो यहां पर बिरादरी से काफी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ इन लोगों को कहा गया है, आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है और पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? ऐसे है कि मैं ये कहता हूँ कि दो नाबालिग बेटियों का कत्ल हुआ है, दोनों इकट्ठी नहर में फेंकी गई हैं, एक 12 साल की, एक 15 साल की। तो हम ये कहते हैं कि अभी तक इतनी इन्वेस्टिगेशन ढीली क्यों है। हम कहते हैं कि अगर वो और मतलब उन पर FIR लॉन्च करवा दिया परिवार ने, तो उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या ये गरीब है इसलिए अरेस्ट नहीं किया गया? क्या ये पैरवी नहीं कर सकते इसलिए अरेस्ट नहीं किया गया? अभी तक तो इनको संतुष्टि तो परिवार की कर देनी चाहिए। जिसकी दो बेटियां घर से बेचारी इनका कत्ल हो गया है, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी? क्या हमें उन्हें संतुष्ट क्यों नहीं किया गया? अगर एक आरोपी अरेस्ट किया गया तो दूसरे आरोपी अरेस्ट क्यों नहीं किए गए? अगर इन्होंने आरोपी अरेस्ट नहीं किए तो परिवार को संतुष्ट क्यों नहीं किया गया? आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी मेरे तो सुनने अभी ये मुझे तो ये बताया नहीं गया, मुझे तो परिवार वाले ने बताया कि एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ तो दूसरे क्यों नहीं हुए? किसी बड़े करोड़पति का कोई केस हो जाता है, उसके घर से भैंस भी चोरी हो जाती है, तो ये 24 घंटे में भैंस ढूंढ के दे देते हैं, जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता, किसका कोई पता नहीं होता। तो एक गरीब की दो बेटियां कत्ल हुई है, तो अभी तक उस पर ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करें? आज SP साहब से मिलने के लिए आए हैं। हम SP साहब से इसलिए मिलने आए हैं कि दूसरे आरोपियों को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? अगर किसी वजह से आप अरेस्ट नहीं भी कर पाए थे, कोई कारण था, तो परिवार को संतुष्ट क्यों नहीं किया गया? क्या आपके ऊपर सरकार का किसी का कोई दबाव है कि मुजरिमों को अरेस्ट नहीं करना है? हम यही इससे पहले भी सर आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तो उस वक्त क्या कुछ पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया था? बस इन्होंने पोस्टमार्टम करवा के अपना उनका संस्कार करवा दिया मिलके, और इनकी ये साजिश थी, इनको पता था इस बात का भी वाक्य में दोनों लड़कियों का मर्डर हुआ है। इनको क्या जरूरत थी संस्कार करवाने की? पोस्टमार्टम हो गया था तो समाज को इकट्ठा करके बताते ही आके, ये सब इनकी सोची समझी चाल है। संस्कार तो परिवार की तरफ से किया होगा, इन्होंने उसके ऊपर प्रेशर डाला, प्रेशर डालने के बाद ये लोग गरीब लोग डर गए, डरने के बाद इन्होंने संस्कार किया उसका। ये पहले उससे पहले पता है इनको इस बात का कि वाक्य में दो लड़के हैं, जो उसमें तीन चार लड़के बता रहे हैं ये, और वो क्या उन बच्चियों का मर्डर हुआ है, और इनको अच्छा भला पता है इनको। तो ऐसा कुछ है तो पहले कुछ धमकी मिली हो या कुछ ऐसी नहीं? ऐसी कोई बात नहीं हुई, उनको घर से बुलाया पार्क में, वो लड़कियां चली गई, वो तो इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होने के बाद अपना देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो यहाँ धरना टेकेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई ये पूरी 36 बरादरी एक समाज नहीं है, पूरी 36 बरादरी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और ये गरीब आदमी का गुनाह थोड़ी है इन लोगों का, ये तो सोचना चाहिए। CM साहब ने भी क्या रहा तेरे शहर में, हर दूसरे दिन नदी में लोग घूमते हैं, हर दूसरे दिन मारते हैं लोगों को, क्या सिस्टम है ये? कहाँ है वो सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, ठीक है ना? तो आप लोग देख सकते हैं 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और ये कहना है कि बस एक ही मांग है, इन्वेस्टिगेशन जो है अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। और आप लोग देख सकते हैं काफी महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं परिवार से, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक ही घर से दो बच्चियां दो बेटियां इस तरह से उनकी डेड बॉडी नहर से मिलना कितना ज्यादा एक खौफ और कितना ज्यादा डर होता है परिवार में। तो आप माता हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आपकी बेटियों को? इंसाफ, मेरी बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, उन जालिमों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मेरी बेटियों को मारा, क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए उनको? एक आदमी दो बेटियों को नहीं मार सकता है, उनके बहुत सारों के हाथ है उसमें। मैं उस दिन की चिल्ला के यही बात कह रही हूँ, और भी है पुलिस की तरफ से हमें इग्नोर वो करा जा रहा, गुमराह किया जा रहा, कुछ नहीं साफ साफ बताया जा रहा है। इसके बारे में बता तो रहे हैं भी, गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं हमारे को, कुछ नहीं बताया जा रहा अभी ढंग से। एक बंदे को अंदर भेज जाए, मेरे को चलान काट के दो बंदों का दिया है, ऑनलाइन चारों का किया है, तो है कहाँ वो चारों? अच्छा, चलान में दिखाया गया कि दो या चार गिरफ्तार? हाँ, लेकिन एक ही गया अंदर।
लगातार थाने के चक्कर काट रहे हो? लगातार भाई जी, मैं एक हफ्ते से मैंने अपनी बेटियों को बैठ के रो के भी नहीं देखा, मैं लगातार फिर रही हूँ। एक दिन भी सिर्फ संस्कार किया था मैंने, उसके बाद ही पुलिस ने मेरे को बुलाना शुरू कर दिया था। तो पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, कोई धमकी मिली हो? हाँ, एक वो लेडीज ने मेरे को धमकी दी थी वहां से, मेरे उससे कोई झगड़ा नहीं था, उसने अपनी फ्रेंड के उसमें आके धमकी दी थी मेरे को। दोनों बच्चे पढ़ते थे मेरे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अभी कुछ नहीं कह रही है। अभी एक बात बताओ, जो पुलिस कुछ नहीं कह रही है तो एसपी साहब कहते हैं, एसपी पुनिया साहब के बयान है कि लड़कियों ने सुसाइड किया। मेरी लड़कियां सुसाइड क्यों करेंगी? क्या रिपोर्ट देख लिया एसपी साहब ने? कैसे सुसाइड बता दिया? 14 साल और 12 साल और 15 साल दोनों लड़कियां। घर से तो ये कह गई थी कि हम पार्क में घूम के आ रहे हैं, बस ये बोल के गई थी घर से, तो पार्क में घूमने गई थी वो। तो आप लोग देख सकते हैं एक माँ पर क्या बीत रही है कि उनकी दोनों बेटियां जो घर से ये कहकर गई थी कि हम पार्क में घूमने जा रही हैं और इस तरह से उनकी डेड बॉडीज बरामद होती है। और भी काफी महिलाएं हैं, चाची, ताई या काफी, आप लोग देख सकते हैं 36 बिरादरी से सभी यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बड़ा करके उसको रोकने की कोशिश। ठीक है, जिंदगी आदमी की पीछे की कोई भी गुजरे, लेकिन आज वाल्मीकि समाज का युवा नेता है बबली भाई हमारा। लाइव तस्वीरों में इस वक्त आपने देखा कि किस तरह से जिला सचिवालय में 36 बिरादरी के लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, दो बहनें जो महज जिनकी उम्र 12 और 15 साल थी, जो घर से कहकर निकलती हैं हम लोग पार्क में जा रहे हैं, लेकिन उन दोनों की डेड बॉडीज बरामद होती है। और आप लोग देख सकते हैं 36 बिरादरी से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही है। उनके आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस जो है सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। जो माँ है, माँ ने इस तरह से आरोप लगाया है कि एक ही व्यक्ति जो है पकड़ा गया है, लेकिन जो ऑनलाइन चालान है उसमें दिखाए जा रहे हैं 2 से 4 व्यक्ति पकड़े जा चुके हैं, जबकि लोकअप में सिर्फ एक ही व्यक्ति है। और मां का किस तरह से रो रोकर बुरा हाल है, साथ में पूरे समाज के 36 बिरादरी के लोग उनके साथ पहुंचे हैं। वहीं साथ ही साथ मांग की जा रही है कि जो दो बेटियां इस तरह से एक ही घर की, उनकी मौत हो जाती है, और ये कहा जा रहा है कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और साथ ही साथ 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। अगर ये मांगे पूरी नहीं की जाती और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन सही से पूरी नहीं की जाती है, आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता है, वरना यहाँ पर धरना दे दिया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो और उन दोनों बहनों की जो दोनों बहनों के जो आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और इस परिवार को, उस माँ को, उन बच्चियों को इंसाफ मिले। और कुछ ही देर में यहाँ पर बताया जा रहा है अशोक तंवर जी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग।